तालिबान अफगानिस्तान राजधानी काबुल दखल करने पर राष्ट्रपति भवन को निज अख्तियार को नहीं पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी काबुल छाड़ पड़ोसी देश ताजिकिस्तान चली जाइछन्ति। गनी निज पदर हटा पर राष्ट्रपति भवन को निज कब्जा को नहीं तालिबान खूब शीघ्र देश को इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान नाम नामित कर एथसहित 20 वर्ष पर पुणि क्षमता को फेरी तालिबान 1996 रु 2001 पर्यंत तालिबान अफगानिस्तान क्षमता रे थिला। काबुल रे थिबा अमेरिकार वरिष्ठ सेनाध्यक्ष कहिछंती जे सहरर सामरिक स्थानांतर जारी रहितारु काबुल अंतर्राष्ट्रीय विमानबंदर व्यावसायिक विमान चलाचल बंद रही। अन्यपक्षे अफगानिस्तान एवं तालिबान हाथ में थिबा बेले अमेरिका अफगानिस्तान में फसी रहिथिबा निज नागरिक तथा बंधु और सहयोगी राष्ट्रर नागरिक को सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करने काबुल विमानबंदर में प्राय 6000 सैन्य नियोजित कर तालिबान मुखपात्र जाबिहुल्ला मुहाजिद कहते काबुल रे लूटपाट को रोकवाक केतक योद्धा सहर में प्रवेश करते सहित से मैंने खाली हो जाता थाना गुड़ी निज नियंत्रण को ने तेरे साधारण लोके आतंकित तो नाक से कहते अंपक्ष तालिबान को क्षमता हस्तांतरण प्रक्रिया आरंभ हो अफगानिस्तान में पूर्वतन गृहमंत्री अली मोहम्मद जलाली देशर अंतरीण राष्ट्रपति होवार संभावना रही। तालिबान हाथ को क्षमता जावा पर्यंत से राष्ट्रपति पदर रही है किंतु तालिबान पक्ष कहुए आसंता 2-3 दिन मध्य काबुल रो क्षमता निज हाथ को निजी अफगानिस्तान तालिबान हाथ को जीवापर एवं निज मन मुताबक शासन आरंभ करछि तालिबान। राष्ट्रपति भवन को कब्जा करने पर प्रथमे तालिबान जेल रे बंदी थिबा तालिबान संग्रामी को मुक्त करथिबा जना पड़िछि। अफगानिस्तान सेना आत्मसमर्पण करने पर तालिबान बाग्राम एयरबेस रु बंदी मानक मुक्त करछि। बाग्राम एयरबेस रे प्राय 5000 तालिबान एवं इस्लामिक स्टेट गोष्ठी संग्रामी थिले बोली जना पड़िछि। एक खबर आसवा पर देश में आतंकवादी कार्यकलाप बढ़ी ट्विटर रे चर्चा जोर धरी। अंपक्ष तालिबान रो कार्यकलाप देखी भारत सरकार जरूरीकालीन स्थानांतर पर 2 एयर इंडिया विमान को प्रस्तुत रखा कहते आज एयर इंडिया विमान दिल्ली उड़ाण कर दिन 12:30 काबुल पहुंची जमापड़ विमानी राति 8:30 उड़ाण करार किंतु परिस्थित को देखी एवं विमान को शीघ्र पठाइवाई निष्पत्ति नहीं भारत सरकार। पूर्वतन राष्ट्रपति अशरफ गनी कहते रक्तपात रोकवाई मुझे देश छाड़ी अफगानिस्तान छाड़ पलैवापर एवं सोशल मीडिया रे एभली कहते पूर्वतन राष्ट्रपति अशरफ गनी तालिबान अफगानिस्तान राजधानी काबुल दखल करने पर राष्ट्रपति भवन को निज अख्तियार को नहीं पूर्व राष्ट्रपति देश छाड़ी हेले से अफगानिस्तान छाड़ी ताजिकिस्तान चली जाइवा नहीं चर्चा होता बेले गनी ए विषय में कौन सी सूचना देना तेरे देशवासी को एभली एका छाड़ी देश छाड़ थी गनी को समालोचना करार कारण जन पूर्वतन राष्ट्रपति अशरफ गनी से लिखिंट आज मो आगे कठिन विकल्प रही मत एक कष्टदायक निष्पत्ति पड़ी मु तालिबान सम्मुखें ठिया होगा उचित गत 20 वर्ष धरी मुझ जीवन को एठाकार लोक मानक बचाइबार अतिवाहित करछि जदि मु देश छाड़ी नथांती एहार परिणाम एठाकार लोक को भोगिबा को पड़ता तालिबान मते हटाई से लोक को आक्रमण करने काबुल को तालिबान हिंसा सह यह युद्ध जीति वर्तमान अफगानिस्तान लोक को सुरक्षा देवा तांकर दायित्व अटे रक्तपात को रोकवाई मोर अफगानिस्तान छाड़ उचित बोली मते लगी अफगानिस्तान को छाड़ी। तालिबान रो शीर्ष नेता मुल्ला अब्दुल घनी बरादार देशर परवर्ती राष्ट्रपति होई परंती 1968 जन्मित तालिबान रो संस्थापक नेता
बरादारंकु 2010 रे पाकिस्तानर गुइंदा संस्था आईएसआई कराचीरु गिरफ करथिला। तेबे अमेरिकार अनुरोध क्रमे 2018 रे तांकु मुक्त करा जायथिला। एबे बरादार तालिबानर मुख्य संचालक पदर रहिछन्ती। एबे तांकु ही राष्ट्रपति करा जिबाकु वरिष्ठ कमांडर माने मत रखिछन्ती। अफगानिस्तान को तालिबान दखल करबा परे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पक्षर जरूरीकालीन बैठक सोमवार दिन अनुष्ठित होइतला। ए बैठक रे संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटरेस समस्त अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एकाठी हेबा पई निवेदन करथिले। से निज वक्तव्य रे कहिथिले जे अंतरराष्ट्रीय समुदाय को या सुनिश्चित करबा पई एकाठी हेबा आवश्यक जे आउ केबे भी अफगानिस्तान को आतंकवादी को सुरक्षा स्थली भाबे व्यवहार करबा उचित नहि। ब्यूरो रिपोर्ट सकाळ खबर।